अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर मेरे किचन में कॉफ़ी बन रही है, कैपेचिनो जो मैंने हाथ से बनाई है। तो सर्दियाँ आएँ तो कॉफ़ी बहुत मज़ा देती है, नज़ला ज़ुकाम से बचाती है। जिन दिनों मेरा गला ख़राब होता है, मैं तो लाजमन या नज़ला हो जाता तो मैं ज़रूर कॉफ़ी पीती हूँ। आराम मिलता है बहुत ना, और बड़े फ़ायदे की चीज़ है कॉफ़ी। विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क यूज़ करें ना, इसके बड़े फ़ायदे हैं। ये फैटी लीवर वालों के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लीवर की डिज़ीज़ से बचाती है। तो बहुत रिसर्च हुई है, तो बताया गया है कि ना 5 लाख पेशेंट थे जिन पर रिसर्च की थी कि किडनी पेशेंट पे ना, तो पता चला जो 2 कप कॉफ़ी या इससे ज़्यादा कॉफ़ी का यूज़ कर रहे हैं ना विदाउट मिल्क और विदाउट शुगर के, तो उनको फ़ायदा हो रहा है। यानी कि किडनी पेशेंट को भी इससे फ़ायदा होता है, शुगर वालों को भी इससे फ़ायदा होता है, और ये हार्ट डिज़ीज़ से बचाती है, ब्रेन के लिए भी अच्छी होती है, मूड को अच्छा करती है। कहते हैं फ़नलैंड में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पी जाती है और वो लोग भी सबसे ज़्यादा खुश लोगों में उनका शुमार होता है। तो मूड को खुशगवार करने वाले इसमें इसके असरात हैं, बड़ी अच्छी है ये कॉफ़ी। तो आप सब पिए सर्दियों में, तो दिल को भी ताकत देगी, ब्रेन को भी अच्छा कर देगी, मूड को भी अच्छा कर देगी, सर्दी से भी बचाएगी, नज़र ज़ुकाम से भी बचाएगी, और बीपी के जो पेशेंट हैं वो भी यूज़ कर लें, मगर दूध नहीं यूज़ करना इसमें और चीनी नहीं करनी। लेकिन हमारे यहाँ तो पी ही जाती है, लेकिन अगर फ़ायदा हासिल करना है ना फैटी लीवर वालों ने, शुगर वालों ने, तो फिर विदाउट शुगर और विदाउट मिल्क के यूज़ करें, बड़ा फ़ायदा देगी। बच्चों को भी दे दें, जब उनको नज़ला ज़ुकाम हो ना तब तो दे दें बच्चों को, बड़ा फ़ायदा होता है इससे। ये बड़ी मेहनत की मैंने अपने हाथों से, जितना अच्छा इसको बीट करें ना उतनी अच्छी कॉफ़ी बनती है, बहुत मज़ा आता है। गर्म पानी डाला और उसके बाद मैंने ना कॉफ़ी डाली और उसको दो चम्मच से ही मैंने उसको मिक्स किया, और मिक्स करती रही करती रही करती रही, और ज़्यादा दूध को मैंने ना कॉफ़ी पीकर बना के चाय खाना उसके लिए मैंने किया। बड़ा अच्छा सा छाक तैयार हो गया, जितना अच्छा छाक तैयार होगा ना उतनी अच्छी कॉफ़ी तैयार हो गई। मैंने जूसर मशीन में कॉफ़ी बनाई थी, वो वीडियो ना मैं नेक्स्ट टाइम अपलोड करती हूँ। मशीन में बना रही हूँ तो तब पानी बहुत ज़्यादा ठंडा यूज़ करना पड़ता है, मतलब कॉफ़ी के जो